लोगों को बोले थे कि मिड डे मील के बाद दीजिएगा, क्योंकि जब कीड़ा की दवा दी जाती है, कीड़ा मरने लगता है तो उस समय पेट में उत्पात मचाता है। बड़ा आदमी तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग भूखे पेट में ना बोल के उसको मिड डे मील और उल्टी की दवा के, लेकिन जल्दी में भूखे लगता है बच्चा लोग को दे दिया गया, लेकिन सारे बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, सबका इलाज चल रहा है। कितने बच्चे ऐसे हुए हैं सर? करीब करीब 45-50 के आसपास। अच्छा, ये जो दवाई दी जा रही थी सर, वो क्या मानक के अनुरूप था ना? हाँ, ये तो हम लोग नहीं, BSM ICL के स्टेट हेडक्वार्टर से ही भेजती है दवा, हम लोग दवा नहीं खरीदते। सर उनका डोज क्या है सर? एक गोली, बच्चे 4 साल से कम है तो उसको आधा गोली, लेकिन यहाँ तो बड़े बच्चे ही हैं, एक गोली। सर क्या बाकी स्कूलों में जो बच्चों को दवा दी जानी है उस पे तत्काल रोक लगा दिया गया है? हम बोले हैं कि जो बच्चा बीमार हो या जिसका पेट खराब हो या जिसको बुखार हो, वैसे बच्चों को दवा न दी जाए, और जो भूखे है उसको भी न दी जाए, और ज़्यादा है तो अभी कुछ 2-4 दिनों के लिए उसको हम लोग मुलतवी कर दे रहे हैं, बाद में फिर दिया जाए। कार्यक्रम सभी स्कूल और सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित किया जा रहा है। 7.5 लाख हमारा जिला का लक्ष्य है, जो 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को देना है, और यह प्रत्येक 6 महीने पे कोई नया कार्यक्रम नहीं है, प्रत्येक 6 महीने पे यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है, और यह दवा बच्चों के बौद्धिक क्षमता के लिए, शारीरिक क्षमता के लिए अति आवश्यक भी है। धन्यवाद।